मतलब सिर्फ एक ही टर्म आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर x प्लस वाई आ गया, यहाँ पर कितने चार आ गए, दो चार आ गए, फिर मैंने प्लस में z डाल दिया, इसका मतलब तीन चार यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर बोला गया कि कौन कौन एक ही चर में बहुपद है, कौन कौन एक ही चर में बहुपद है, मतलब किसमें सिर्फ एक ही टाइप के चर दिए गए हैं, वो आपको बताना है। ओके, निम्नलिखित, एक बार फिर देखो क्वेश्चन को, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, दोनों बताना है। कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला आपको दे रखा है 4x² माइनस का 3x प्लस में 2, आपको ये तो पता चल गया बहुपद किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहला है आपका 4x² माइनस का 3x प्लस में 7, क्या एक बहुपद है? हाँ है भैया, यहाँ पर एक से ज़्यादा पद दे रखे हैं, क्या एक चर में बहुपद है? यस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही चर दे रखा है और वो एक चर क्या है आपका, x दिया गया है यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, एक चर में बहुपद। यहाँ पर एक तो यस लिख दो, ठीक है, सिर्फ सिंपल से यस लिख दो, और यहाँ पर कारण दे देना, क्योंकि यहाँ पर एक ही चर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक चर मतलब सिर्फ आपको x ही दिखाई दे रहा है हर जगह, तो ये आपका एक चर में बहुपद हो चुका है। सेकेंड, कारण जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना है आपको, ओके, आप एक ही चीज नहीं लिखाऊंगा, छोटे बच्चे नहीं हो आप। अब यहाँ पर y² प्लस में रूट 2, क्या ये बहुपद है? एक, हाँ है बहुपद, ठीक है, क्या एक बहुपद है ये? यस है, क्या एक चर में बहुपद है? यस, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक ही चर दिखाई दे रहे हैं, ओनली y, और एक ही टर्म दे रखा है आपको, सिर्फ ओनली y y दे रखा, ठीक है, तो ये भी आपका हो चुका है, यस लिख दो यहाँ पर, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा पद दिखे तो बहुपद कहलाता है, याद रखें। अब देखते थर्ड, जो बोलते यार वही कारण है आपका, उसको लिख दो। थर्ड क्वेश्चन क्या आपका, 3√t प्लस में t√2, क्या एक चर में बहुपद है? जल्दी बताएं, क्या एक चर में बहुपद है ये? जल्दी कमेंट करें, यस और नो। पहली बात तो बहुपद ही नहीं है ये, पहली बात तो ये बहुपद ही नहीं है, ओके। तो दो क्वेश्चन फटाफट डालो, इतने लोगों की कमेंट देख रहा हूँ, फिर जल्दी दो क्वेश्चन फटाफट डाल लो। पहले दो क्वेश्चन आ गए, कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना, लिख लो जल्दी से, जो बोला है मैंने उसको लिख लो, जो बोला है मैंने उसको लिख लो जल्दी से, उसके नीचे, ठीक है, लाइन जल्दी से, आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ सिर्फ, ऑनली 30 सेकंड सिर्फ है, जल्दी उतारो। मैं दिखाई तो नहीं दे रहा ना, बगल में दिखाई दे रहा ना ब्लैक बोर्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, साफ आना चाहिए, आ रहा है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। जल्दी फास्ट, बहुपद किसे कहते हैं, समझ में आ गया ना, किसे कहते हैं? जल्दी बोलो फास्ट, उतार लियोगे अब तक, ठीक है, अब मैं टाइम नहीं देने वाला बिल्कुल भी, करवाएं अगला, रब कर रहे हैं इसको, ठीक है, रब कर रहा हूँ उसको, फिर मैं, पहला दूसरा आपका बहुपद हो चुका है, पहला दूसरा आपका बहुपद हो चुका है, आपको मैं सिर्फ 20 सेकंड ही देने वाला हूँ, पहले बता रहा हूँ। आप देखते थर्ड क्वेश्चन, इसका पहले का थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रखा है आपको, देखो यहाँ पर अपनी बुक में देखो, 3√t प्लस में t√2, क्या एक बहुपद है? पहले ये बताएं, क्या एक बहुपद है? ये बहुपद ही नहीं है, पहली बात तो लिखो कि नहीं, नो बहुपद, बहुपद नहीं तो कैसे बताएंगे चर में, एक चर में कि दो चर में, बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर दे रखा है, यहाँ पर टी की पावर कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब बहुपद है ही नहीं, ओके। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या आपको, जल्दी यहाँ पर देखो, कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके डाउट में ले लूँगा तुरंत ही। y प्लस में 2y, क्या एक बहुपद है? ये भी एक बहुपद नहीं है, बहुपद कहाँ होता है, जहाँ पर जिसकी पावर एक से ज़्यादा हो, ठीक है, एक से ज़्यादा जिसकी पावर होगी वो बहुपद कहलाएगा, और टर्म भी एक से ज़्यादा होना चाहिए, दोनों बात है, पर यहाँ पर एक्स की, यहाँ पर वाई की पावर कितनी है, 1 है, इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं है, यहाँ पर देखो 9, ये बहुपद नहीं है। देखो आप फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ देखा आपको एक्स की पावर 10 प्लस में वाई की पावर 3, क्या ये एक चर, क्या पहले बताओ ये क्या बहुपद है, पहले बताओ क्या ये बहुपद है? हाँ भैया बहुपद तो है, पर क्या एक चर में बहुपद है? नहीं, यहाँ पर आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट चर दिखाई दे रहे हैं, पहला आपको चर दिखाई दे रहा है एक्स, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है वाई, और तीसरा दिखाई दे रहा है टी, तो तीन डिफरेंट डिफरेंट चर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये तीन चर में बहुपद है, क्या बोला मैंने, ये तीन चर में बहुपद है, तो यहाँ पर लिख दो कि बहुपद तो है पर तीन चर में है, ठीक है, तीन चर में बहुपद, बहुपद है, तो तीन चर में बहुपद आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, जल्दी फटाफट डालो जल्दी से, फास्ट डालो जल्दी से, जल्दी